औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम करें, आमीन। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली बेसिस पर खाना बनाते हैं। तो आज की जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है कढ़ी चावल। तो चले आएँ, आपको इस मज़ेदार सी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स नोट करवा देते हैं। इसके लिए हमने 1.5 kg दही लिया है और इसको हमने एक दिन पहले लेकर फ्रीज कर दिया हुआ था ताकि ये मज़ीद खट्टा हो जाए। और उसके साथ ये हमने 2 अदद टमाटर लिए हैं और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें 10 से 12 अदद, इनको बीच में से काट लिया हुआ है। और ये 1 कटोरी हमने बेसन लिया है और उसके साथ ये हमने 1 टेबल स्पून इमली ली थी और उसको पानी थोड़े से पानी में भिगो दिया हुआ है। तो उसके साथ हमने ये 1 टेबल स्पून जो है हमने वो लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हमने सूर्य मिर्च पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया है और 1 टेबल स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है। और ये 2 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया है, इसमें से 1 टेबल स्पून जो है हम वो चावलों के लिए यूज़ करेंगे और 1 टेबल स्पून जो है हम कढ़ी के अंदर तड़का लगाएंगे। तो आए हम आपको पकौड़ों की रेसिपी नोट करवा देते हैं। ये थोड़ा सा हमने सब्ज़ धनिया लिया है, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और ये थोड़ा सा हमने प्याज लिया है दरमियाने साइज़ का, और 1 पिंच हमने जो वो लिया है बेकिंग सोडा, और 1 टेबल स्पून हमने सूख मिर्च पाउडर लिया है, 1 टी स्पून हमने ज़ीरा लिया है और 1 टेबल स्पून हमने जो है नमक लिया है और ये 1 कटोरी बेसन लिया है। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करके पानी के साथ जी, तो नाज़रीन जो आपने इसका पेस्ट बनाना है वो आपने ज़्यादा थिक नहीं करना और ज़्यादा पतला नहीं करना। देखें, हमें इस तरह का पेस्ट चाहिए। तो अब हम इसको साइड पे रख देते हैं और जो हम है वो कढ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले ये हमने दही लिया है, इसके अंदर हम ये 2 अदद टमाटर डाल देते हैं और साथ हम इसके अंदर ये जो हमने बेसन लिया हुआ था वो शामिल कर देते हैं। और इसके साथ जो हमने ये लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज मिर्चें और ये सारी चीज़ें ली हुई थी इनको शामिल कर देते हैं। और इसके साथ ही हम जो ये हमने इमली भी धोकर रखी हुई थी इसका पानी ऐड कर देते हैं बस। और अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करके आपको दिखाते हैं। सब चीज़ें, सब मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें राउंड अबाउट 2 ग्लास के करीब हम पानी ऐड कर देते हैं और अब हम इसको पैन में डालकर पकने के लिए रख देते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको पैन में डालने के बाद फिर दिखाती हूँ। हाँ जी, तो देखिए हमने एक तरफ जो है वो कढ़ी को पैन में चढ़ाकर पकने के लिए रख दिया हुआ है और इसके साथ जो हमें कुकिंग ऑयल चाहिए होगा वो हमें तकरीबन 1.5 कप चाहिए होगा। 1/2 कप कुकिंग ऑयल से हम जो कढ़ी का वो तड़का लगाएंगे और जो 1 कप होगा उसको हम ये चावलों के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1 kg हमने चावल लिए हैं तो अब हम इसमें 1 कप हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया हुआ है और ये 2 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया था, इसमें से ये 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया है और 1 टेबल स्पून जो हमने उसके कढ़ी के तड़के के लिए बचा लिया हुआ है। और ये चावलों के लिए हमने 1 टेबल स्पून नमक लिया है। इसको, इस ज़ीरे को हमने ज़्यादा जलाना नहीं है। तो अब हमारे जो चावल हैं वो 1 kg हैं तो हम इसमें 1 लीटर जो है वो पानी ऐड कर देते हैं। तो जी, ये हमने पानी ऐड कर दिया हुआ है तो ये साथ साथ पानी बॉयल होता है तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। और ये साथ हमने जो है वो कढ़ी बनने के लिए रखी हुई है तो कढ़ी के लिए आपने लास्ट में जो दही है ना उसको एक दिन पहले लेकर उसको फ्रीज़ कर देना है ताकि वो खट्टी हो जाए। जो कढ़ी है वो खट्टी ही अच्छी लगती है। तो अब हम इसको मज़ीद जो है ना वो 20 मिनट तक पकाएंगे। तो चले मैं इसको मज़ीद 20 मिनट पकाने के बाद फिर आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये तो नाज़रीन देखें, आफ्टर 20 मिनट्स जो हमारी कढ़ी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ये जो हमने सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चें काट के रखी हुई थी
इसको ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स करते हैं। फ्लेम हम इसका ऑफ करके और इसको कवर करके रख देते हैं। देखिए हमारे चावलों का जो पानी है वो भी उबलना शुरू हो चुका है, तो अब हम इसमें चावल ऐड करते हैं। जी देखिए नाज़रीन, हमने इसमें चावल ऐड कर दिए हुए हैं। अब हम इसको मिक्स करते हैं और इनको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पकाते हैं। और साथ ही हमने फ्राई पैन में ऑयल चढ़ा दिया हुआ है गर्म करने, और ये तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें स्पून की मदद से छोटे छोटे जो हैं वो पकौड़े बनाते हैं। तो देखिए हम इस तरह से अपने सारे पकौड़े रेडी कर लेंगे। और ये चावलों का पानी देखें तकरीबन खुश्क हो चुका है, तो अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम करके दम पे लगा देते हैं। और जो चावलों का दम है वो हम तकरीबन 10 से 15 मिनट लगाएंगे। और पकौड़ों का साइज़ हम बिल्कुल छोटा रखेंगे क्योंकि हमने जो इसमें बेकिंग सोडा डाला हुआ था उससे ये देखें फूल जाते हैं और कढ़ी के अंदर जाकर अच्छे लगते हैं। जी तो ये हमारे पकौड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। जी देखें ये हमने तकरीबन सारे ही पकौड़े अपने रेडी कर लिए हैं और ये आपको नज़र आ रहे होंगे, देखें ये कितने गोल गोल हो गए हैं और ये कढ़ी में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं इनको भी डिश आउट करती हूँ। देखिए नाज़रीन, जो हमने पकौड़े फ्राई किए हैं ये उसका बचा हुआ ऑयल है, इसको हमने वेस्ट नहीं करना है। तो इसमें से जो हाफ है वो मैंने निकाल लिया है और ये तकरीबन 1 कप के करीब है, तो इसका मैं तड़का लगाऊंगी। इसके अंदर मैं जो मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा बचा के रखा हुआ था उसको इसमें शामिल कर दिया है और इसको मैंने तकरीबन फ्राई करना है कि ये ज़रा सा ब्लैक हो जाए। और जो हमारे पकोड़े हैं वो बनके रेडी हो चुके हैं, उन पकोड़ों को हम इस कढ़ी में शामिल कर देते हैं। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है, तो अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। ज़बरदस्त कढ़ी का टेक्सचर देखिए आप कितना अच्छा है। तो इसमें जो है ना मैंने होममेड हल्दी पाउडर डाला था इसलिए कलर इतना अच्छा आया है। अगर आप बाज़ार का डालते हो तो आपको 1.5 टेबलस्पून डालना पड़ेगा, तो मेरा होममेड था इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाला है। तो चलें अब हम चावल भी चेक करते हैं। माशाल्लाह से कितने अच्छे चावल बनके रेडी हुए हैं।
मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। और ये देखें हमारा ज़ीरा भी जो है वो तकरीबन काला हो चुका है, तो अब हम तड़का लगाते हैं। और तड़के की खुशबू अंदर चली जाए इसको हम कवर करके रख देते हैं। तड़के की खुशबू अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गई होगी, तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जी हमारा कढ़ी का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमारे जो चावल हैं वो भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको दोनों चीज़ें जो हैं वो डिश आउट करने के बाद दिखाती हूँ। जी तो नाज़रीन देखें हमारे सिंपल कढ़ी चावल बिल्कुल बन के रेडी हैं। आप इनको ट्राई कीजिएगा, टेस्ट कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी किस तरह की लगी है। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।